Arka व्यापारिका मुझे ऐसा लगता है कि मैं धुंधला बन के बैठा है। हमारी प्रिय बेटी अभी जो कीर्तन किया है हाथ पर हमारे गंगा जी ने अभी शेषर के चतुर्वेदी जी ने संपूर्ण ब्रज को यही प्रणाम करते हैं। मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। मैं मथुरा से दिल्ली होकर के विदेश में गया था। मैं समझ रहा सोच रहा था देवी से मैं बॉम्बे से आया यहाँ से गया किंतु श्री जी ने हमारे हृदय की बात ध्यान करके मैं बहुत सौभाग्य हूँ सौभाग्यवान हूँ। मैं विद्वान हूँ विद्वता तो और सरस्वती के रूप में ही आती है। भक्ति भी देखो हमारी बेटी आई उसके हृदय में भी आती है। मैं एक साधारण साधु हूँ बहुत तो प्रभु हमसे जो कुछ प्रचार करा रहे हैं तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रभु इनका के द्वारा ही कब किसके द्वारा क्या करा लेते हैं। अभी उन्होंने गाया है कि उनकी लीला अपरंपार है समझना बड़ा भारी कठिन है। एक पेड़ को भी ऐसा करा देते हैं जो विश्व में उसे सबसे बड़ा बना देते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारे माध्यम से हुए विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति का और विशेष करके ब्रज भक्ति का और ब्रज भक्ति के प्राण आधार श्रीमती राधिका जी हैं उनके नामों का उनके भावों का मैं विश्व में कुछ प्रचार करने का प्रयास कर। मैं समझता हूँ कि ये यात्रा मेरी सफल रही है क्योंकि आप सब लोगों की सराहना हमारे मैं जैसा इन्होंने बताया है मैं वैसा कुछ नहीं। मैं तो ब्रज में आया जो किसी प्रकार से राधा जी के प्रति हमारी कुछ भक्ति हो जाए इसलिए ब्रज में आया और उसके लिए यथासंभव प्रयास में लगा। मैं कोई सिद्ध ही नहीं हूं मैं कोई वैसा तत्व ही नहीं हूं। मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ है वो राधा जी की कृपा है। हम लोग इस गायत्री ज्ञान देखते हैं बहुत से लोग समझते हैं कि गायत्री एक सूर्य पद मंत्र है तो हम लोगों के परंपरा में जीव गोस्वामी इत्यादि आचार्यों ने वेद शास्त्रों का मंथन करते हुए कि गायत्री स्वयं भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो गायत्री की अधिष्ठात्री देवी कोई देवी होनी चाहिए देव नहीं इसलिए न तो सुग्रीव से अधिष्ठात्री देव है न कृष्ण है और वेद का प्रणव ओंकार है। ओंकार का तात्पर्य गायत्री में ही है और गायत्री क्या है भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य भर्गः धीमहि जो देव है कौन है या ये भी बात इस सकते हैं एक ही चांस अला पुंसा कृष्णस्तु भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। वे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड अद्वितीय है उनके समान भी नहीं है कोई और बराबर किंतु ये जो कृष्ण है रस के समुद्र होने पर भी
एक रस और अनेक रस। एक रस में ऐसा कुछ भी नहीं बाकी है जो वो नहीं जानता, कुछ भी बाकी है, सब कुछ जानने वाले। क्या रस है? रस तत्व है, वो रस वही सह स्वयं ही रस तत्व, कुछ भी उनके लिए बाकी नहीं जो कुछ जानना उनके लिए। किंतु अनेक रस में कुछ एक विशेषता है, विशेषता है कि अनेक रस में अपनी जो प्रियाजी है, अपनी हलादनी शक्ति जो राधिका जी है, कृष्ण के प्रति जो उनकी सेवा की प्रेममयी भावना है, जैसी सेवा करती हैं, उन भावनाओं को कृष्ण नहीं जानते। हमारे प्रति राधिका जी की कैसी भावना है, कैसा उनका प्रणय भाव है, कृष्ण के काम माधुर्य कैसा है, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, रस माधुर्य कैसा है, और हमारी सेवा करके उनको कौन सा सुख होता है, कैसे वो पागल बन जाती है, कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी ये चीज उनको पता है। राधा जी को कृष्ण देख करके वो समझते हैं कि उनके प्रति हमारा कैसा प्यार है, उनके हृदय में कैसी उमंग उठ रही है, ये सब जानते हैं कि मुझे देख करके ये राधा जी ऐसे पागल क्यों हो जाती है, ऐसे तन्मय क्यों हो जाती है, इस चीज को नहीं समझता। क्यों? अखिल रसामृत सिंधु होने पर भी प्रेम के ये विषय है कृष्ण, प्रेम के आश्रय नहीं है। राधिका जी प्रेम के आश्रम में सर्वोत्तम है, उनके हृदय में महाभाव इत्यादि, मादन मोदन इत्यादि के भाव है। क्यों? कृष्ण बहुनिष्ठ है, और ये जो गोपियां हैं और राधा जी हैं, उनमें सर्वोत्तम ये एक निष्ठ। गोपियों का कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई नहीं, वे सर्व सब प्रमुख से उनके प्रति। किंतु कृष्ण इन गोपियों के लिए भी किसी एक भक्त को नहीं छोड़ते। यदि गोपियां कहेंगे हम जैसे आपके प्रति एक निष्ठ हैं, आप भी हमारे प्रति वैसे ही एक निष्ठ हो जाए, तो मैया को भी छोड़ देना पड़ेगा, नंद बाबा को भी छोड़ देना पड़ेगा, और सारे ब्रजवासियों को भी छोड़ करके एकमात्र राधा जी जैसे कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, वैसे कृष्ण को भी उनके प्रति समर्पित होना होगा, किंतु कृष्ण के लिए संभव नहीं, इसलिए कृष्ण उनके प्रति ऋणी हो जाते हैं, उनकी भावना को। इसलिए श्रीमद् भागवत ने कहा गया, न पारे हम निरभक्त सकते, तुम लोगों की श्री से कभी भी उरुण नहीं हो सकता, विशेष करके श्रीमती राधिका जी को। गायत्री में इसी चीज को यह दिखलाया गया है, भर्ग देवस्य, भर्ग मन तेज शक्ति, लादिनी शक्ति, अभिन्न उनकी शक्ति, ये राधिका, ये उनका तेज या श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भी इसकी स्वयं व्यास जी ने ही या सुखदेव गोस्वामी ने ही इसकी व्याख्या। गायत्री का भाष्य अप्रतिम भाष्य श्रीमद् भागवत, हमारे चतुर्वेदी जी बहुत ही स्पेशल जितना मैं नहीं व्यक्त कर सकता, उनसे बहुत दूर होता। तो भगवत देवस्य की नरी, मैं उस शक्ति का ध्यान कर रहा हूं। क्यों? यदि कृष्ण की सेवा करनी है तो विषय कृष्ण के जो है उनके ध्यान चिंतन और उनकी कृपा से होगा ना। कृष्ण की सेवा यदि करनी है तो राधिका जी के भाव को लेकर के हम सेवा करें। इसके अनुसार कृष्ण तो रस के उपभोक्ता है और श्रीमती राधिका जी रस की आधार है, इसलिए यदि हमको कृष्ण सेवा की, जुगल सेवा की जरूरत है
तो राधा जी की ही जरूरत होगी, उन्हीं की सेवा की भावना हमारे अंदर में आएगी, तब हम उनकी सेवा कर सकते। कृष्ण सेवा के भोक्ता है और सेवक ये सारी गोपियां, तो इसलिए मत समझ जाइए कि जैसे जो उपभोक्ता है वही श्रेष्ठ है, उपभोग्य है वो श्रेष्ठ, ऐसा मत समझ। कृष्ण ही राधा जी है, राधा जी कृष्ण। अभी ये अपने कृष्ण ही राधा के रूप में प्रकटित हुए हैं, इसलिए उनका राधा नाम है। राध कतई अनुराग से भर करके कृष्ण के तरफ में दौड़ती है धाव, अथवा इसको इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बतलाया है, कृष्णेन आराधिता, ये कृष्ण के द्वारा आराधित है और कृष्ण की ये आराधना करती है। राष्ट्र से ये कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं अथवा कृष्ण की जो आराधना करते हैं। प्रेम एक ऐसा चीज है, हमारे शास्त्रों में कृष्ण को प्रयोजन नहीं बतलाया गया, प्रयोजन बतलाया गया किस चीज को, प्रेम को। प्रेम दोनों को ना चाहता है, इसलिए प्रेम को प्रयोजन बतलाया गया। या प्रेम न रहे तो कंस भी तो कृष्ण को जैसे वो याद करता था, स्मरण करता, तो यदि प्रेम न रहा तो हम कंस की श्रेणी में, जरासंध की श्रेणी में चले जाए, और यहां तक कि उनकी शक्ति को जो देने माने तो निर्विशेष ब्रह्म की कोटि में हम चले जाए। इसलिए कृष्ण यदि रसिक है, कृष्ण यदि मनमत मनमत है, कृष्ण यदि रस के सागर है तो राधा जी के सागर कैसे अभिन्न है, भिन्न नहीं कही तो भिन्न न भिन्न तुलसीदास सीता जी भिन्न नहीं, एक ही है। इसलिए राधा जी की शास्त्र में बहुत महिमा बतलाई गई। श्रीमद् भागवत ये गीता गायत्री का ये भाष्य इसका है, उसमें ये कहते हैं ब्रह्म क्या है, अथा तो ब्रह्म जी क्या है, तो उसके उत्तर में कहते हैं जन्मादश्य गत जिससे जन्म होता है, किस चीज का। और तो जो व्याख्या है हमारे गोस्वामी ने जो बहुत ही रहस्यपूर्ण व्याख्या की वो आद्य रस का जिसमें जन्म हुआ, आद्य रस कौन सा है, श्रृंगार रस, मधुर रस, राधिका जी का भाव ही श्रृंगार है। इसलिए आद्य रस कहां से प्रकट हुआ, कृष्ण से नहीं, कुछ अंशों में कहा जा सकता, किंतु राधा जी को छोड़कर के कृष्ण यदि रहे अकेले तो ये माधुर्य रस श्रृंगार रस बन गया, राधा जी के भाव को ही श्रृंगार भाव कहा गया। इसलिए आद्य रस कहां से हुआ, श्रीमती राधिका जी से, इसलिए उसको और आगे लेकर के रस तेजो बाल गुदाम जत विनमयो जत सिर सर्वोपम प्रसाद धाम नाश्री निरस तुकम सत्यम परम धीम, ये राधिका जी के लिए प्रणाम। कृष्ण के लिए कुछ आंशिक रूप में जो कहते हैं श्रीमद् भागवत ही राधा पर्व है, कृष्ण के लिए और सब शास्त्र हैं, और व्यास जी ने सबका प्रणयन किया प्रकाश किया, किंतु उनको शांति नहीं मिली, कितने स्थिरता नहीं मिली, वे कुछ चिंतन कर रहे थे, मैंने सब शास्त्रों को बनाया, सबको प्रकाशित किया, वेदांत के भी हमने वेदांत को भी प्रकाश किया, महाभारत जैसे ग्रंथ को और पुराण भी हमने बनाया, किंतु हमारा चित्त खिन्न क्यों है, क्यों नहीं संतुष्ट है। और इसी में नारद ऋषि आ गए, नारद जी से पूछा, उनका सत्य है तुमने सब कुछ किया किंतु तुमने कृष्ण की लीला कथाओं का और उनकी स्मृति जी का तुमने भजन नहीं, इसलिए तुम भक्ति योग के द्वारा चिंतन करो और उनकी कृपा से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वस्तु तुम्हारे अंदर उस समय उन्होंने नारद जी की कृपा से बहुत लंबा संवाद है, मैंने संक्षेप में नहीं बतलाया। उस समय में भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण, कृष्ण को पूर्ण रूप में देखा, कैसे पूर्ण रूप में देखा, अभी तक जितने भी पुराने उनका वर्णन किया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वेदों के कुछ तापी इत्यादि में उनका वर्णन किया गया है, पूर्ण नहीं था।
क्योंकि उनकी शक्ति श्रीमती राधिका जी का गोपियों का वर्णन उसमें नहीं था। क्या उसमें वर्णन था? श्रीमती राधिका के वे इनको चुका नहीं सकते। रास में जो लीलाएं हुई उसका बहुत ही हमारे गोस्वामियों ने उसके वर्णन किए हैं। उसमें राधा जी के पैर के जो नुकुंज जति छिटक जाते हैं तो कृष्ण दौड़ करके आते हैं, बांटते हैं। उनके मुख पर जो धूली या ये सबको अपने पिताम्बर से लेकर के उनको पूछते हैं, कहते हैं कि तू थक गई, तुम लोग का ऐसा प्यार मैं कभी भी ऋण से यहां तक कि देखो उद्धव जी ब्रज में गए। उद्धव जी को कृष्ण ने किस लिए भेजा? माता पिता का सांत्वना देना ये तो बहाना था, इसलिए नहीं भेजा। मथुरा में यहाँ पर गोपियों ब्रज में गोपियों को समझाने वाले को ललिता विशाखा इत्यादि एक भाव वाली उनको कुछ धैर्य धरा रहे हैं, उनके अनुसार में कुछ बातें पीछे करते हैं। राधिका जी ने उनसे बातचीत करके अपने विरह वेदना का कुछ प्रशमन कर रहे, किंतु कृष्ण को उतना जो विरह से संताप है उनको कोई भी समझाना संतना दे पाए, इसलिए उद्धव को भेज रहे जाओ। यहां पर मैंने प्रेम की का पाठ पढ़ा है, उस प्रेम की पाठशाला में गोपियों के पास ले जाओ और वहां से कुछ सीख करके आओ। यहां से मैंने सीखा इस प्रेम का पाठ सिखलाने के लिए उन्होंने किया। उद्धव गए और जब वहां पर गए तो देखा कि हम इसके छात्र भी होने जब गए हैं। उस समय में वो कहते हैं विरहणी महाभागा, आपके विरह ने हमको महासौभाग्यवान बनाया। आज मैं ये समझा कृष्ण ने हम पर अनुग्रह करके भेजा हमारी तुम आप लोगों का महात्मा देखने के लिए, मैं आप लोगों के भावों को ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे चरण की वंदना करता हूं, आसाम हो चरण रेणी दिशा वृंदावने की मत गुण प्रदाता हो सके जा दुष्पजम स्वजन आर्य पतंज हिंदुकार हे जे मुकुंद। सुतिया जी को खोजती है और वे मुकुंद को कृष्ण को अपने हाथ में बांध करते उन गोपियों की चरण की वंदना करता हूँ, उनकी चरण की धूलि को पाने के लिए ब्रज में कहीं घास गुणमलता को जाना चाहता हूँ एक बार भी। और अंत में बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पार रेणुम बिघ्नता, कृष्ण के लिए ऐसा नहीं था क्यों? इसीलिए जब उनका भाव देखा कृष्ण के प्रति तो उन्होंने कहा जैसे मथुरा में कृष्ण नहीं है होंगे तो आंशिक रूप में संपूर्ण रूप से कृष्ण तो ब्रज में गोपियों के पास नहीं लगता। और कृष्ण ने ऐसा कहा भी है वृंदावन के इसलिए उद्धव जी कहते हैं बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु, क्या कहते हैं बहुत सी गोपियां हैं उनमें से एक धूली को प्रणाम कर रहे हैं, एक धूली एक वचन है और गोपी नाम ये बहुवचन करोड़ों गोपियां हैं उसमें जब एक धूली कणा की वंदना करते हैं तो वो किसकी होगी आप लोग अनुमान कर सकते हैं, राधा जी के चरण की धूली होगी। इसलिए अंत में तो कहते हैं कि उस धूली को मैं प्रणाम करने की योग्य नहीं, उस दिशा को प्रणाम करता और कह करके बहुत सी भावनाओं को लेकर के तात्पर्य ये कि ये श्रीमद् भागवत इत्यादि जो है ये सब राधा पर राधा जी के भावों का अध्ययन ऐसा किसी भी पुराण शास्त्र में नहीं। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, महाभारत इत्यादि का वर्णन है, जनक लीलाओं का भी कुछ संक्षेप में वर्णन है, किंतु मधुर रस का वर्णन श्रीमद् भागवत के। इसलिए जितने भी उसके प्रधान पात्र हैं सब लोग गोपियों की वंदना कर रहे हैं, यहां तक कि कृष्ण की वंदना कर। इसलिए श्रीमद् भागवत कृष्ण में बताया गया तेजो बाल मृदान तथा सर्वो अम्बिषा भावना श्रमेश सदा निरस्तम सत्यम पर्वधी
ये राधिका जी कृष्ण की तेज स्वरूप उनकी शक्ति है। आज वो अपने धाम में जहां पर कि ये कुहू इत्यादि माया नहीं है, जहां पर अपने प्रियतम कृष्ण के साथ में रहती हूँ, वही सत्यम परम धीमहि, मैं वही परम सत्य स्वरूप है राधिका जी के चरण उसकी मैं वंदना करता हूँ। अच्छा कैसे आपने ये कहा, इसलिए श्रीमद् भागवत में और एक जगह आता है तो क्या है, स्वधाम ने राधसा रंशते नमः। ये सभी श्लोक उनको याद होगा कि तुम बाय भाव उसका आप लोगों के साथ कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं, किंतु हमारे आचार्य ने कहा है कि कोई लाइन नहीं श्रीमद् भागवत की, कोई ऐसा पद्य नहीं जिसमें राधा जी का नाम है, चाहे अनुमेरिक में हो अथवा व्यतिरेक जरूर कुछ में रहेगा, कहीं कहीं पर सुखदेव गोस्वामी बोल नहीं सकते। इसलिए राधा जी की आराध्या देवी, उनका नाम लेने से क्या होगा, 6 महीने की मोक्षा हो जाए, विषय बदल जाता था। अभी 7 दिन का समय है परीक्षित के लिए, इसलिए जान बुझ करके अपनी आराध्या का नाम ले लेना, न तो श्रीमद् भागवत का प्रकाश ही नहीं होता। इसलिए और विशेष करके अपने आराध्य का नाम अपने पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है। और उसके लिए भी और उसके लिए भी, जैसे जहां कहा उनकी स्तुति आई, वो कौन थे, श्री शुक श्रिया जी के सुख थे, प्रिया जी के लिए कृष्ण के भी बड़ा सुंदर रूप में अपने गोपाल थे, उसमें कभी कर्णपुर ने वृंदावन चंपू में इस सबका वर्णन किया है। राधा जी के इस महिमा राधा महिमा कितनी अपार, तो उसमें फतेह अपने धाम में जहां पर की माया नहीं, वैकुंठ के भी एकदम भीतर में उसके रहस्य स्थल में ये गुरु वृंदा उस धाम में राधा जी, ऐसा मत समझिए जैसे राधा जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भी राधा जी की सेवा कर रहे हैं, ये विशेषता श्रीमद् भागवत इसीलिए प्रकाशित हुआ। और भी अन्य आराधितो नूनं भगवान हरेश्वर जन्मो विहाय ये राधा जी उनकी सबसे अधिक आराधना, ये सब बहुत व्याख्या। अंत में यही कहना चाहूंगा, ये और लोगों की तो बात क्या, जब ब्रह्म सुख नारद भीष्म मुख कई रक्षित हो न सहसा पुरुष शब्द वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति राधिका चरण। ब्रह्मा जी भीष्म जी नारद सूर ये सभी जिस परम पुरुष कृष्ण को भी अच्छी तरह से जान नहीं पाए, यदि जानना हो तो क्या करना होगा, उसके लिए सहज है चूर्ण है, वो चूर्ण क्या राधा जी के चरण की रज कितनी शक्तिशाली है, जो कृष्ण वशीभूत में हो जाएंगे उनको तत्व से जानने की तो बात ही उनके प्रश्न। इसलिए कहते हैं जब इन करीश बहुत सब फल का गुमानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखर में होगी राधा जी के कुंजों में झाड़ू देने वाली एक झाड़ू की शीप बन जाऊं, सलाका बन जाऊं, जिससे उनकी कुंजों में सेवा होती है झाड़ू की। क्यों, इसलिए यत्किं करिष्यसि बहुशा फल कार्यवाणी, जिसके कुंज के द्वार पर अखिल ब्रह्मांड नायक समस्त ऐश्वर्यों के सभी परिपूर्ण कृष्ण वहां पर भिखारी बन जाते हैं और राधिका जी से मिलन कर लेंगे, जो हमको थोड़ा सा मिला दो, उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं और उनकी कंकरिया जो रूप मंजरी इत्यादि है नहीं फोर्त काले तुम यहाँ से लौट जाओ उनसे मिल नहीं सकते, और वो काकू मंदी करते हैं उनके दासियों के चरणों में, तो राधिका जी की महिमा और कितना है समझो। इसलिए कहते हैं इसलिए राधिका जी की दासी पर से बोले से और कुछ भी यदि ब्रज में रहे, यदि श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, रसिक वैष्णव का संग किया, तो राधा जी के दासी से पढ़ करके और कोई पद भी नहीं। हमारे
विठल जी हमारे वल्लभाचार्य के सुपुत्र और परम भक्त उन्हीं कहते हैं श्याम सुंदर खंड श्री हरे स्नेहास गुरवी मनोहर आराधिका रसिक मान कृपा मिले स्वप्रिया चरण पुत्र स्वप्रिया चरण पुत्र प्राणनाथ विश्वभान नंदिनी श्री मुखाब्ज रस लोन शरबत आराधिका पद तले कृति स्तुति स्वाम भजाम आप राधिका जी के चरण तल में मैं प्रिय हूँ इसे पढ़कर के आप हे श्याम सुंदर आप हमारे पर इस प्रकार से हमारे गोस्वामी की तो और भी अधिक इसलिए आप लोगों को राधिका जी के प्रति इससे बढ़कर के जगत में और कोई भी बढ़ता है कोई भी मंत्र जप तप कुछ नहीं इसको देने के लिए हमारे कृष्ण ही राधिका जी के भाव और अंग कांति को ग्रहण करके सचिन नंदन बहुत हरी चैतन्य महाप्रभु और कुछ नहीं क्या है हमारे गोस्वामियों की मानता नहीं अनुभूति है यदि प्रेम चाहो तो चैतन्य महाप्रभु के चाहो वो इसीलिए है राधा जी का दास्य एक श्लोक रूप गोस्वामी का है महाप्रभु की कृपा से ये उसको प्राप्त हुआ अनाथिकोज्वलि हरि अपूर्व सुंदर द्यूत कदम संदी सदा हृदय कंदर कर्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते